अच्छा अम्मा ये बताओ कितनी उम्र है तुम्हारी? 80 साल पहले तो पानी पियो आप, पी लो इससे पी लो। पी लिया? अच्छा अब मुझे ये बताओ तुम इस उम्र में क्यों करती हो ऐसा काम, इतना इतना काम क्यों करती हो? पानी का खर्चा चल जा, मेरे पास पैसे थोड़े देवे कोई मुझे। अच्छा बताओ, अब तुमने दे दिया आज पैसे। अच्छा कितने पैसे कमाती हो एक दिन में ये बताओ आप? ये 20 का या 25 का दिख जाएगा भाड़ा। 20-25 का? अगर मैं आपको 50 रुपए डेली दूं? नहीं नहीं सच में, अगर मैं आपको 50 रुपए डेली दूं तो ये कबाड़े काम छोड़ दोगे आप? हैं, वादा करती हो मेरे से? हैं, ये हमारी अम्मा है और इनकी उम्र कितनी अम्मा? 80 साल? 80 साल उम्र है। मेरे बच्चे मर गए, मुझे सदमा लगा, इस वजह से मैं ऐसी हो गई। बहुत, एक तो ये जवान लड़का चला गया, 7 बच्चे छोड़े, लड़का चला गया, मेरा आग लगी थी मेरे घर में जी। तो आपसे ये बताओ कितने बच्चे आपके जिंदा हैं? बस एक लड़का और लड़की है, हम लोग लड़की। एक लड़का है तो एक लड़के पे एक माँ नहीं पल रही? उसकी लड़ाई तमाम लड़ी मेरे साथ, हमारे घर न पड़ जाके। तो एक बेटा है आपका, एक बेटे पे आपकी आप पल नहीं रही, उस पर खाने को नहीं देता आपको? खाने को तो चा पानी तो दे ही दे है, तो चली जाऊँ बेसर्मी से। तो भैया वो नहीं समझता, वो समझे मैं सारे ससुरों को, समझो को सारी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सकीना। सकीना नाम है आपका? ये बताओ मैं अगर आपको एक पूरे हर महीने 1000 रुपए दूँ तो ये काम छोड़ देंगे आप? मैं तो छोड़ ही दूंगी फिर तो। हैं, छोड़ दोगे ना? हाँ चलिए, फिलहाल मैं आपको, आप कितने पैसे थे? 500 दिए थे ना मैंने आपको? हाँ। ये लीजिए, ये मैं 1000 रुपए दे रहा हूँ आपको। अच्छा ठीक है, ये इस महीने के आपको, अब आप इस महीने तुम्हें काम नहीं करना, वादा करी हो ना? नहीं ये भी नहीं बेचना, ये फेंकना है, बेचना नहीं है ये। नहीं मैं अभी ले जाऊंगा इसे, बेचना नहीं है ये, अभी तुम्हें घर जाना है। पैसे? अच्छा तो आज से बाद में तो नहीं करोगे ना ये काम? तुम अपने घर का मुझे एड्रेस बताना, कहाँ है तुम्हारा घर? पूजा कॉलोनी के हो ना? पूजा कॉलोनी में कौन सी मस्जिद है? अक्षा मस्जिद के बाद। चलो मैं हर महीने आपको 1000 रुपए दूंगा, ठीक है? लेकिन आपको ये कबाड़ा नहीं बीनना। अभी 1000 रुपए आप किस महीने के आ गए आपको? अच्छा। कल नहीं जाओगे आप? नहीं जा रही। अगर कल दिखी मुझे फिर क्या होगा? खाली हाथ देख लीजिए ना, यहाँ वैसे नहीं, ये कबाड़ा मत बीनना। अच्छा अपने घर में रहना और अच्छे से खाना पीना, ठीक है जी? तो पैसे तो दे दिया आपको, तो होटल से खाया करो आप, ठीक है ना? होटल वाले भी पैसे ना लेते मुझसे। अच्छा तो ये तो फिर बच जाएंगे आपके, सारे के सारे बच जाएंगे। ना जब लाने लगूंगी रोज, मैं आपको 1000 रुपए महीना दूंगा, ठीक है? रोज लाने लगूंगी तो लेने लगेंगे पैसे भी। जी जी जी। तो ऐसे बच्चों को क्या कहोगे आप जो अपने माँ बाप को ऐसे छोड़ देते हैं भटकने के लिए, दर्द दर्द की ठोकरें खाने के लिए? क्या कहूंगी, कुछ तो नहीं, नसीहत दो, पूरी दुनिया देख रही है आपको। था ना मेरा बड़ा लड़का जी, वो बहुत मेरा ख्याल रखे तो बहुत ज्यादा जी जी। आग लग गई, मैंने फोन कर दिया एकदम, दौड़ा चलाया मेरा बच्चा, बस उसे हार्ट अटैक आ गया, 2-3 बाल्टी पानी डाली थी, आके मोहल्ले वालों ने बचा दी थी। बस आके मैं घर कहने लगा, माँ तो हिम्मत रह कर मेरे घर रह कर, बस इतनी कही थी, पीछे उल्टा हो गया, दम निकल गया उसका। अब जो बच्चा है वो आपका ख्याल नहीं रखता ना? देखिए किसने सच कहा कि एक माँ 10 बच्चों को पाल सकती है, लेकिन 10 बच्चों पे एक माँ नहीं पल रही। अब तुम्हें एक बेटा तुम्हारा नहीं सुनना, दूसरा बेटा तो मिल गया, ठीक है? खुश हो ना तुम? अब तुम्हें हर महीने 1000 रुपए दिया करूंगा मैं तुम्हारे घर पे आके, ठीक है? पूछता आया करूंगा। क्या नाम बताया तुमने? कौन सी मस्जिद? अक्षा मस्जिद। अक्षा मस्जिद के पास मैं पूछ बता दूंगा। अक्षा मस्जिद के पास मुनी चाय में रास्ता जा रही है। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं दुआ तो दोगी मुझे? मैं दुआ ना देने की है? दुआ ना दे, सर पे हाथ तो रखो, अल्लाह तुझे हर परेशानी से बचाएगा मेरे बच्चे। ऐसे लोगों की दुआ लिया करो और साथ दो ऐसे लोगों का, और अपने माँ बाप की कदर करो, क्योंकि ये ऐसी नियामत है माँ बाप, क्योंकि एक दफ़ा जाने के बाद में फिर कभी नहीं मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया।